चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। एक बार पहले कांधला से मायूसी मुझे हासिल हुई थी, आज मैं दोबारा आपके बीच। हम गठबंधन विचारधारा से दूर नहीं है, उसी का पालन करते हैं। आपको चयन करना है, आपका बेहतर उम्मीदवार कौन है। दुआओं से भी नवाजे और वोट से भी नवाजे। दोनों पार्टियों के हैं, सभी लोग गठबंधन की विचारधारा को मानते हैं, उस पर चलते हैं। सबका नाम लूंगी तो टाइम कम है, इसलिए माफी चाहती हूँ। और यहाँ पर मौजूद मेरे सभी बड़े बुजुर्ग और भाई, सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज कांधला में हमारा आना हुआ है, चेयरमैनी का चुनाव चल रहा है। यहाँ पर आपके बीच मैं आपसे हाथ जोड़कर ये गुजारिश करने आई हूँ कि हमारे जो उम्मीदवार हैं नजमुल इस्लाम साहब, ये बहुत ही नेक दिल, शरीफ, पढ़े लिखे, कर्मठ, जुझारू उम्मीदवार हैं। और आपकी बेहतरी के लिए पार्टी ने भी यहाँ दो सिंबल हमारे गठबंधन से हो गए हैं। हम गठबंधन विचारधारा से दूर नहीं है, उसी का पालन करते हैं। लेकिन जब बेहतराई हमारे लोगों की हो तो उसमें कई निर्णय लेने पड़ जाते हैं। आपके जो उम्मीदवार हैं दूसरी पार्टी के जो हैं, वो कई बार बदले गए। हमने भी अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन जो भी उसमें निर्णय हुआ, पार्टी के अध्यक्ष का निर्णय रहा। तो हम सब आपके बीच इसीलिए आए कि आपको चयन करना है, आपका बेहतर उम्मीदवार कौन है, आपका जनप्रतिनिधि बेहतर कौन बन सकता है। और इसके लिए आज हम सब ने भी यहाँ पर रिस्क ही उठाया है एक तरीके से। तो आप सब से मेरी गुजारिश है, आप लोगों से पुराना ताल्लुक मेरे वालिद साहब का रहा है, हम सब ने भी कायम रखा है। तो एक बार पहले कांधला से मायूसी मुझे हासिल हुई थी, आज मैं दोबारा आपके बीच, आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करने आई हूँ कि इस बार यहाँ से मायूस करके मत दीजिएगा। आप लोगों से हमारा गहरा लगाव है और आप लोग समझ सकते हैं कि ये चुनाव कितना अहम हो चुका है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस चुनाव में आ चुके हैं, जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो वोट काटने का काम करेंगे, किसी भी पार्टी के हो। आपके प्रत्याशी बहुत मजबूत स्थिति में हैं और इंशाल्लाह यहाँ से जीत कर जाएंगे अगर आप लोग साथ दें। सीधी सीधी टक्कर हमारी बीजेपी से है और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर बीजेपी का एक भी प्रत्याशी जीते। अब फैसला आप लोगों को लेना है, आप लोगों के हाथ में है। ये वोट की ताकत इतनी बड़ी ताकत है कि सबको पीछे कर सकती है। तो इस ताकत को आप समझिए, इसका बेहतर उपयोग करिए। एक चर्चा ये चल रही है कि टीम नहीं है। आपसे मैं पूछने आई हूँ, क्या टीम की कमजोरी में हम ये चुनाव हार जाएंगे? तो मेरे भाई, आप सबको खुद कैंडिडेट बनकर, और उस दिन ये ना कमी हो कि कहीं पर हमें एजेंट नहीं मिला या हमारे वोट नहीं निकले। मेरी आप सबसे गुजारिश है, बहुत कम सीटों पर हमारे उम्मीदवार पार्टी के लड़ रहे हैं और हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने हर बार हमारा साथ दिया। कैसा कैसा वक्त हमारे ऊपर बीता है, एक सिर्फ विपक्ष में अगर मजबूत स्थिति किसी की है तो हमारे अध्यक्ष जी की है। आज उन्होंने, अखिलेश जी ने हम पर विश्वास जताया है, आप पर विश्वास जताया है। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग भी अपना काम पूरा करके भेजें यहाँ से और अपने प्रत्याशी को ठिकाने का काम करें। आपकी लड़ाई सीधी सीधी बीजेपी से है और जितने आप लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप लोग अपना और अपने घर वालों का वोट डलवा दें तो इंशाल्लाह हमें जीतने से कोई नहीं रोक रहा है। बाकी जो हमारी सीटें हैं, सब पर गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, हम हर जगह मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये एक अकेली ऐसी सीट है जिसकी आप पूरी जिम्मेदारी और दारोमदार ये समझिए हमारे ऊपर है।
तो मैं आपकी एक छोटी बच्ची हूँ, बहन हूँ, और अध्यक्ष जी ने अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी थी, अगर ये सीट नहीं जीत पाए तो बहुत हमारी भी ऊपर जाके बजाने की हिम्मत नहीं रहेगी। तो आपसे फिर कामने वालों से तो रिश्ता भी अलग ही है हमारा, आपसे फिर एक बार गुजारिश यही करती हूँ कि आप समझिए चुनाव आपके लिए भी और हमारे लिए भी कितना जरूरी है। अगर आपने मजबूती नहीं दी तो यहाँ से कहीं ना कहीं भाजपा निकल जाएगी और मुश्किल होने वाला है चुनाव। उस दिन सबसे ज्यादा ध्यान आपको वोट परसेंटेज बढ़ाने का करना है, ये ना हो कि आप किसी डर में आए, किसी दबाव में आ जाए। कोशिश रहेगी बहुत, लेकिन आपको डरना नहीं है। हमारा जो विधानसभा का चुनाव था उसमें कैराना में वोट परसेंटेज इतना ज्यादा हुआ था कि हम तभी चुनाव जीत पाए थे। तो आप लोग समझिए कि चुनाव बहुत गंभीर होने वाला है, आप पर हर तरह का दबाव डाला जाएगा, लेकिन वोट डालने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं खासकर इस सीट के लिए, सारी की सारी जिम्मेदारी जीत की होगी या अल्लाह ना करे हार की हो तो वो हमारे ऊपर होगी। तो अब फैसला आपके हाथ में है, दोबारा निराश करके मत भेजिएगा यहाँ से। आप लोग मेरी अम्मी के भी मामा नाना लगते हैं, आपसे हमारा पुराना ताल्लुक है, तो अपने ताल्लुकात का भी मैं आपको उससे भी मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि बिल्कुल आपको एक घर की सीट है ये समझिए, यहाँ से हम ही लड़ रहे हैं। तो अब आप लोगों के हाथ में कि आप इन्हें जिताए, अपने कामला की प्रगति को आगे बढ़ाए। तो बस इसी के साथ आपसे ये हमारे प्रत्याशी है, एक बार हाथ उठा के आप बता दीजिए कि निराश तो नहीं करेंगे यहाँ से। और आपकी जिम्मेदारी, आपके चुनाव की सारी जिम्मेदारी आपकी बेटी पर है, ये समझिए एक बार मेरे लिए ही आप वोट डाल रहे। तो आपसे तहे दिल से गुजारिश है, दुआओं से भी नवाजे और वोट से भी नवाजे। और आने वाली 4 तारीख को साइकिल का निशान है और कोई निशान नहीं है, तो मेरी गुजारिश है वोट डालकर अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।